हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और इस वीडियो में बताऊंगा आपको यदि TS7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो में सिर्फ एक ही बूट लोगो हो, जो डिफ़ॉल्ट में एंड्रॉयड की बूट लोगो ग्रीन कलर में आती है, और इसके अलावा यदि आपके स्टीरियो में कोई भी कार का बूट लोगो नहीं हो, तो आप सारी कार के बूट लोगो कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं, स्टीरियो के अंदर सिर्फ एक ही बूट लोगो एंड्रॉयड की जो ग्रीन कलर की बूट लोगो है सिर्फ वही है। आप चेक करने के लिए सबसे पहले लोगो की सेटिंग में जाना होगा। इसके लिए सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग देन फैक्ट्री और पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना है 4x8 देन कन्फर्म, और लास्ट में लोगो की सेटिंग है इस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक ही बूट लोगो है जो एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट में जो आती है। यदि आपको सारे कार्स की बूट लोगो डाउनलोड करनी हो तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जस्ट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। वो जिप फाइल के अंदर होगा, आप फिर जिप फाइल को लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके पेन ड्राइव में कॉपी कर लेना। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो आप सबसे पहले डाउनलोड कर लेना और मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ किस टाइप से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको फ़ोन के भी हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ इसके लिए ऐप्स वगैरह आती है। मैं यहाँ पर लैपटॉप से एक्सट्रैक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लैपटॉप लिया हुआ है और ये विंडोज़ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर TS7 लोगो, ये इसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पर जस्ट डाउनलोड करके आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू TS7 लोगो, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ और ये फोल्डर के अंदर में सारी फाइल्स आ चुकी है। और इसको ओपन कर लेना है, फोल्डर को ओपन करके सबसे पहले आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना और इसको आप फोल्डर को ओपन करके उसमें पेस्ट करना होगा सारी फाइल्स इसकी। आप पेन ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं रखना, उसको फॉर्मेट कर लेना या कहीं कॉपी कर लेना और इसको ओपन करके यहाँ से जितनी भी फाइल्स है इसके अंदर सारी फाइल्स को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी और फिर आपको इसको पेन ड्राइव में पेस्ट करना होगा। और आप पेन ड्राइव जब कनेक्टेड रखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी USB की और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सारी फाइल्स मैंने जो आपको लिंक जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था वो सारी फाइल्स पेन ड्राइव के अंदर आ गई है। और इस अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पेन ड्राइव को रिमूव करना और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, जस्ट पेन ड्राइव को रिमूव करना है। डाउनलोड किया, पेन ड्राइव में डाला और रिमूव करके आपको जस्ट पेन ड्राइव को TS7 स्टीरियो से के 6 पिन से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और यदि आपका ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है तो आप इंपोर्ट ऑल सेटिंग पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं पर भी टच नहीं करना है स्क्रीन पर, आपको बस छोड़ देना है जब ये स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ फाइल्स में कॉपी होगी, कॉपी होने के बाद ये रीस्टार्ट होगी। यहाँ पर देख सकते हो ये प्लेयर रीस्टार्ट हो रही है। रीस्टार्ट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 से 2 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और रीस्टार्ट होने के बाद सारी बूट लोगो आपके TS7 स्टीरियो में आ जाएगी। यहाँ पर प्लेयर रीस्टार्ट हो रही है और रीस्टार्ट होने के बाद मैं आपको चेक करके दिखा दूँगा कि सारी बूट लोगो इसमें सारी कार की बूट लोगो आई या नहीं आई है। यहाँ पर प्लेयर रीस्टार्ट हो चुकी है और मैं यहाँ पर रीस्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको
फिर से सेम लोगों की सेटिंग पर जाना होगा। इसके लिए सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग देन फैक्ट्री, और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है 4x8888 कन्फर्म, लास्ट लोगो सेटिंग। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो सारी कास्ट की लोगो आ चुकी है, ऑलमोस्ट इसमें सारे कास्ट की लोगो आपको मिल जाएगी। यदि आपको किसी कार की लोगो इसमें नहीं मिल पाती है तो आप उसको अपने से बना भी सकते हो, किस टाइप से अपने से डिजाइन करना है लोगो या कहाँ से कैसे बनाना है, इसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किस टाइप से आप बूट लोगो को सेट कर सकते हो TS7 में, उसकी भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।